नर्स बहन जी, क्या हुआ है मेरे छोटू को? लगता है शरीर में पानी की कमी की वजह से बेहोश हो गया है। दुलारे बता रहा था कि इसे दस्त हो रहे हैं। कब से? 5-6 दिन हो गए होंगे। दिन में कितनी बार दस्त होते हैं इसे? 10-12 दफा। आपने दस्त रोकने के लिए इसे कुछ दिया? ORS का घोल? मेरा छोटू ठीक हो जाएगा ना बहन जी? बहन जी, क्या हुआ मेरे छोटू को? हमें छोटू को तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। मेरे छोटू को बचा लीजिए बहन जी, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं। मत रो भाभी, मत रो। जैसा नर्स बहन जी कह रही है बस वैसा ही कर। दुलारे, छोटू को अस्पताल ले जाने का इंतजाम करो। जीत भाई, आप कुछ चिंता मत कर दुलारे, मैं मुरारी भैया को लेके आता हूँ, ठीक है? चल गिरा, आजा। छोटू, आगे कौन? छोटू मत रो भाभी, मत रो। अस्पताल में डॉक्टर साहब छोटू का पूरा ध्यान रखेंगे। चलो सब बैठो। चलो चाची बैठे, चाची बैठे, बैठ बैठ बैठ। ये लीजिए, उषा बिटिया की मनपसंद सब्जी बनाई है, पालक पनीर। खूब खुश होके खाएगी। अब कैसी थे वे उषा बिटिया की? अभी हल्का बुखार है। ठहरो। मकरू। जी मालकिन। ये खाना कहाँ जा रहा है? जी वो उषा की तबीयत खराब। मैंने तुमसे नहीं पूछा। ये खाना कहाँ जा रहा है? जी वो सरपंच जी खाना ऊपर लेके जा रही है, क्योंकि कांता, उषा को हल्का सा बुखार है तो उसने मुझसे कहा कि वो आज खाना अपने कमरे में ही खाएगी। वाह, क्या ठाट है, कमरे में ही खाना खाएगी। बिगाड़ो, जितना बिगाड़ना है अपनी बच्चियों को बिगाड़ो। कांता, उषा और विद्या तुम्हारी भी तो बच्चियां हैं। मेरा सिर्फ एक ही बच्चा है, टिंकू। और आज के बाद अपनी बच्चियों का नाम ना तो मेरे साथ और ना ही मेरे टिंकू के साथ जोड़ना। कैसा मेरा छोटू? बोलिए डॉक्टर साहब, मेरा छोटू ठीक तो है ना? देखो, बच्चे के शरीर में पानी बहुत कम हो गया है। मैं जानती हूँ, इसलिए वो बेहोश भी हो गया था।
लेकिन डॉक्टर अब तो कोई खतरे की बात नहीं है ना? देखो ग्लूकोज तो चढ़ा दिया है पर हालत अभी भी नाजुक ही है। मेरा चोटू ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? देखो चंदू चिंता मत करो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। हाँ लेकिन ऐसे मामलों में तुम्हें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, दस्त जानलेवा भी हो सकते हैं। अगर तुमने छोटू को समय पर ओआरएस का घोल पिलाया होता या फिर जिंक की एक गोली हर रोज दी होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। डॉक्टर बहनजी, हम गरीब लोग हैं, दो वक्त की रोटी के लिए पैसा नहीं है हमारे पास, दवा के लिए पैसे कहाँ से लाते? चंदू ORS का घोल और जिंक की गोली सब सेंटर में बिल्कुल मुफ्त मिलती है। खैर दुलारे, तुमने ये बहुत अच्छा किया जो अपने छोटे भाई को समय पर यहाँ पर ले आए, वरना। डॉक्टर बहन जी, डॉक्टर बहन जी, सारी गलती मेरी है, मेरी बुद्धि मारी गई थी जब मैं अपने छोटू को पहले नर्स बहन जी के पास नहीं ले गई, सारी मेरी गलती है। गलती तो है अम्मा, गलती तो है, माना हमारा वक्त सही नहीं चल रहा, लेकिन बुरे वक्त में जरूरी काम रुका तो नहीं करते ना। गलती तो है हमारी, लेकिन हमसे भी बड़ी गलती गजानन जैसे लोगों की है जो हम जैसे गरीबों का घर लूटकर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। हमारे छोटू की इस हालत का जिम्मेदार गजानन भी है। आज अगर हमारा पक्का मकान होता तो हम यूं गंदगी में नहीं जी रहे होते। दुलारे बिल्कुल ठीक कह रहा है, गजानन जैसे लोगों की वजह से ही हम इन हालात में जीने को मजबूर हैं। उसकी तो टांगे तोड़ देनी चाहिए। नहीं वीरा, हिंसा से ना कभी कोई समस्या हल हुई है और ना ही होगी। आप सही कह रहे हैं मास्टर जी, लेकिन कुछ तो करना होगा इससे पहले कि गजानंद के हाथों फिर से किसी गरीब के मुंह का निवाला छिन जाए, फिर से किसी का रोजगार छूटे या फिर से मेरे छोटू की तरह कोई अस्पताल पहुंचे। ये सब रोकना होगा मास्टर जी, ये सब रोकना होगा। हम जो कुछ भी करते हैं सरपंच जी के कहने पे करते हैं, वही है हमारी दाता खाता माता। अब सरपंच है और गजानन बाबू सिर्फ पंच, सब जानते हैं कि इस पंचायत का हर फैसला सरपंच जी की जानकारी और सहमति के बाद ही लिया जाता है। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008 लोधी रोड, HPO नई दिल्ली 110003। अपना पता और फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा।